देश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। देखिए, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आज उनके कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया है। कई सारे वर्गों ने काफी सारी उम्मीदें इस बजट से लगाई हुई थी। बिल्कुल, इस बुलेटिन में आज हम जानकारी देने वाले हैं कि किस कैटेगरी को कितना लाभ मिलने वाला है इस बजट के बाद। दूसरी बड़ी बात ये करेंगे कि अभी फिलहाल कितनी नौकरियां यहां पर निकाली गई हैं, यानी कि कितने पद भरे जाएंगे सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट क्षेत्र में भी। किस वर्ग के वेतन में बढ़ोतरी हुई है, जानकारी ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। किन महिलाओं को 1500 की राशि का लाभ मिलने जा रहा है, ये भी जानकारी इसी बुलेटिन में बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। तो शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 53,413 करोड़ का बजट पेश किया गया है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से। हालांकि 13 नई घोषणाएं इस बजट में हुई है, जो कि इससे पहले किसी भी पूर्व सरकार में नहीं की गई हैं। महिलाओं का, बेरोजगार युवाओं का, किसानों का, बागवानों का और कारोबारियों का, सभी का ख्याल इसमें रखा गया है। अधिकतर सभी वर्ग काफी खुश इस बजट के बाद नजर आ रहे हैं, विशेष तौर से जिनके वेतन या मानदेय में यहां बढ़ोतरी की गई है। देखिए, 53,413 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया है। हालांकि 4,704 करोड़ इसमें राजस्व घाटा है और 29% बजट ही विकास के लिए इसमें खर्च किया जाएगा। बाकी जो बजट बच जाएगा उसे सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो फिलहाल महिलाओं की 1500 की राशि से जुड़ी ही यहां पर सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पहले जो घोषणा हुई थी उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1500 राशि प्रति माह मिलेगी। लेकिन आज यहां पर यह फॉर्मूला एक तरह से बदल दिया गया है। 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं का कोई भी जिक्र इसमें नहीं हुआ, बल्कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, यानी कि वृद्ध महिलाओं की जानकारी दें, ऑलरेडी जो सामाजिक सुरक्षा ले रही हैं, उन्हें यहां पर अब 1000 रुपए के साथ 500 रुपए और बढ़ाए जाएंगे वर्तमान सरकार की ओर से। यानी कि पूरे 1500 रुपए की राशि अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तौर पर मिलने वाली है। पहले 1000 रुपए दिए जाते थे पहले से लेकर, क्योंकि ये योजना यहां वृद्ध महिलाओं के लिए तैयार की गई है, जिसमें प्रति माह इन्हें 1000 रुपए मिल रहे थे। अब इसमें 500 रुपए और जोड़े जाएंगे वर्तमान सरकार की ओर से और इन वृद्ध महिलाओं को अब ये राशि मिलेगी। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह चीज भी यहां स्पष्ट की है कि फेस वाइज इस गारंटी को पूरा किया जाएगा, यानी कि अभी आने वाले समय में और भी फॉर्मूले तय होंगे। अब 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए क्या सोच विचार किया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि देखिए जब इससे पहले यहां ये फॉर्मूला तय हुआ था तो खुद यहां मंत्री धनीराम शांडिल, जो कि इस सब कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने खुलासा ये किया था कि 10,53,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा और 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को ही ये राशि दी जाएगी। लेकिन आज इस फॉर्मूले को एक तरह से दरकिनार कर दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, महज के लिए यहां पर यह राशि बढ़ाई गई है। 1000 पहले से ले रही हैं, 500 इसमें अब अतिरिक्त यहां वर्तमान सरकार की ओर से और जोड़े जाएंगे। बाकी महिलाओं को कब तक इसका लाभ मिलेगा यह देखना होगा। हालांकि विपक्ष ने भी आज इस पर बड़ा सवाल उठाया है कि जिस हिसाब से गारंटी को लेकर घोषणा की गई थी, वैसे तो यह पूरी हुई ही नहीं है। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में अभी नया फॉर्मूला तैयार होगा फेस वाइज, यानी कि बारी बारी से सभी उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। अभी देखिए जो महिलाएं फिलहाल ये राशि ले रही थी, अगर वृद्ध महिलाओं की बात करें, उसमें 40,000 नई महिलाएं जोड़ी गई हैं। लगभग 2,00,000 से ज्यादा महिलाओं को ये 1500 रुपए की राशि मिलने वाली है, जैसा कि हमने कहा 60 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है। अगली बात करना चाहेंगे रोजगार संकल्प सेवा को लेकर, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को लेकर भी इसमें खास ख्याल रखा गया है। 50,000 के करीब नए पद भरे जाएंगे, 25,000 सरकारी क्षेत्र में और 25,000 पद प्राइवेट क्षेत्र में भरे जाएंगे। जो सरकारी क्षेत्र में पद भरे जाएंगे ये पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ और एजुकेशन में भरे जाएंगे, और इसके अतिरिक्त प्राइवेट क्षेत्र की जानकारी दे तो औद्योगिक क्षेत्र में इन पदों को भरने की बात हुई है। आज बजट में ये भी बड़ी घोषणा बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई है। फिलहाल आने वाले समय में इसे लेकर किस तरह का फॉर्मूला तैयार किया जाता है ये देखना होगा। अगली बात करना चाहेंगे संकल्प सेवा से जुड़ी, क्योंकि रोजगार संकल्प सेवा योजना लाई गई है। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रोजगार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी हिमाचल के युवाओं को। दरअसल ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट MIS सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जाएगा, इससे बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जाएगा, उनमें स्किल्स डेवलप किए जाएंगे और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी उन्हें यहां नौकरी प्रदान की जा सके, ये कोशिश अब वर्तमान सरकार की रहने वाली है। वहीं अगली बात करना चाहेंगे डे बोर्डिंग स्कूल से जुड़ी, नई योजना लेकर आई है वर्तमान सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ये स्कूल्स खोले जाएंगे, सभी तरह की सुविधाएं इसमें दी जाएंगी, खेल सुविधाएं भी, स्विमिंग पूल तक का निर्माण भी इन स्कूल्स में होने वाला है और इसे लेकर प्रक्रिया भी यहां शुरू हो चुकी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कहना था। सुखाश्रय योजना को लेकर भी उन्होंने ये जानकारी दी है। हालांकि ये योजना पहले ही लाई गई थी, ऐलान भी हो गया था और अभी फिलहाल सुखाश्रय योजना के राजकोष की बात करें तो इसमें राशि आना भी शुरू हो गई है सरकार की ओर से भी। कुछ और प्राइवेट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस भी अनाथ बच्चों के लिए अपनी ओर से इसमें लाखों के हिसाब से राशि दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 27 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, अनाथ बच्चे होंगे, उन्हें यहां चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाएगा और सरकार ही उनकी माता पिता होगी, उनका पूरा खर्चा उठाया जाएगा। 4,000 प्रति महाजेब खर्चा भी इन्हें दिया जाएगा, किसी भी सुख सुविधा से वंचित इन्हें नहीं रखा जाएगा। इनके लिए भवनों के
निर्माण भी होंगे, कॉम्प्लेक्सेस भी तैयार किए जाएंगे बड़े स्तर पर, ये भी आज बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कहा गया है। इसके अतिरिक्त विधवा एवं एकल नारी आवास योजना भी लाई गई है, 7,000 के करीब विधवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है और जो एकल नारियां हैं उन्हें भी भवन निर्माण के लिए सरकार की ओर से राशि जारी की जाएगी। बजट भाषण में आज ये भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। अब आना चाहेंगे पशुपालकों पर और किसानों पर, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर हमारे पास भी ये कमेंट्स आ रहे थे कि दूध उत्पादन को लेकर जो बढ़ावा देने की बात हुई थी ये कब तक संभव हो पाएगा। तो देखिए इसे लेकर भी यहाँ योजना तैयार की गई है, हिमगंगा योजना लेकर यहाँ वर्तमान सरकार आई है। 500 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए रखी गई है, इस बजट का प्रावधान हुआ है और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके अब इसके लिए सरकार की ओर से कोशिश शुरू हो जाएगी। ज्यादा कीमतों में कहीं ना कहीं पशुपालकों से दूध खरीदने का काम यहाँ वर्तमान सरकार करने वाली है। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स भी स्थापित किए जाएंगे और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा समय में प्लांट्स पहले से स्थापित हैं इन्हें अपग्रेड करने का काम भी किया जाएगा। साथ ही साथ सभी किसानों का बागवानों का यहाँ विकास हो सके इसके लिए हिम उन्नति योजना भी शुरू की जाएगी वर्तमान सरकार की ओर से। और जो छोटे दुकानदार हैं इनके लिए भी लघु दुकानदार कल्याण योजना वर्तमान सरकार की ओर से लाई गई है। इसमें देखिए जैसे नाई दर्जी रेडी फड़ी वाले दुकानदार होते हैं, 50,000 रुपए तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% उपदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये बड़ी राहत कहना चाहेंगे उस कैटेगरी के लिए जो छोटी कैटेगरी में एक तरह से काउंट होते हैं, क्योंकि छोटा इनका कारोबार रहता है तो एक तरह से बड़ा लाभ इन्हें ये वर्तमान सरकार की ओर से मिलने वाला है। मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना भी लाई गई है, 200 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। फिलहाल यहाँ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, सड़क निर्माण जहाँ प्रॉपर्ली नहीं हो पाए हैं या सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है उसे सुदृढ़ करने के लिए ये बजट का प्रावधान रखा गया है। ग्रीन कवर मिशन भी वर्तमान सरकार की ओर से लाया गया है, जितनी भी खाली पहाड़ियां हैं उन पर पौधारोपण किया जाएगा, एक छोर से ये पूरा काम शुरू किया जाएगा और पूरी तरह से ग्रीन कवर में उसे तब्दील कर दिया जाएगा, ये सीएम सुक्खू ने कहा है। 12 जिलों में इसके लिए 250 हेक्टेयर भूमि का चयन भी किया जाएगा। अगली बात करना चाहेंगे औद्योगिक विस्तार के लिए प्लग एंड प्ले सिस्टम लाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के माध्यम से और सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि एक तरह से पूरी खत्म की जा रही है। ग्रीन बजट के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलने वाली है, क्योंकि बार बार वर्तमान सरकार की ओर से यही एक हवाला दिया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक ही कार्य शुरू किया जाएगा, वो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का। हालांकि प्रक्रिया इसे लेकर शुरू हो चुकी है लेकिन जो सब्सिडी देने की बात आज कही गई है अपडेट हम आपको दे देते हैं। देखिए ई वाहन खरीद और चार्जिंग स्टेशन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, ई बस ई ट्रक और ई टैक्सी में 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त मेधावी छात्रों को स्कूटी खरीदने पर 25,000 की सब्सिडी दी जाएगी ये अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदते हैं। हिमाचल में 24 पंचायतों में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट चलने वाले हैं और ई व्हीकल में एचआरटीसी की सभी बसेस अब बदलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस ही अब चलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले ये योजना शुरू की गई है, एक तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी राज्यों में भी इससे काफी अच्छा संदेश जा रहा है। हालांकि ये जो ई व्हीकल पॉलिसी है ये पूर्व सरकार में भी थी लेकिन ये सब्सिडी वाला कॉम्पोनेंट फिलहाल अभी वर्तमान सरकार की ओर से ही लाया गया है, इसलिए हिमाचलवासी अब यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में काफी ज्यादा दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। अगली बात कांगड़ा हवाई अड्डे को लेकर करें तो 2000 करोड़ का प्रावधान इसके लिए रखा गया है। वहीं स्कूली छात्रों को 10,000 की संख्या में जो मेधावी छात्र हैं इन्हें टैबलेट्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो प्राइमरी स्कूल वाले टीचर्स हैं रेगुलर हो चुके हैं इन्हें भी यहाँ टैबलेट्स देने की बात हुई है। अब कर्मचारियों पर आना चाहेंगे क्योंकि काफी सारी उम्मीदें लगाकर सरकारी कर्मचारी बैठे थे कि जरूर डीए और एरियर को लेकर भी कोई घोषणा होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11,000 करोड़ की देनदारियां अभी सरकारी कर्मचारियों की बच रही है, इसे लेकर फिलहाल आज कोई भी घोषणा नहीं हुई है, कोई भी जिक्र इसका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में नहीं किया। हालांकि इससे पहले जब भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बातचीत हुई है मीडिया से तो जरूर उन्होंने इन 11,000 करोड़ की देनदारियों को लेकर कुछ ना कुछ बात कही, लेकिन आज कहीं ना कहीं निगाहें वर्तमान ये सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान सरकार पर बनी हुई थी, फिलहाल इसे लेकर कोई भी जिक्र नहीं हुआ। दूसरी बात ओपीएस बहाली को लेकर करें तो ये जरूर यहां पर सीएम सुक्खू की ओर से कहा गया कि इसका लाभ जल्दी ही कर्मचारियों को मिलने लगेगा, ओपीएस एक तरह से बहाल कर दी गई है लेकिन फॉर्मूला शेयर नहीं किया गया। विपक्ष की ओर से भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब फॉर्मूला शेयर करने की बात हुई थी बजट सेशन में तो आखिरकार वर्तमान सरकार इसे क्यों छुपा रही है, हिमाचल सरकार अपना ही मॉडल अपनाने जा रही है तो अपने मॉडल को सार्वजनिक तौर पर साझा क्यों नहीं किया जा रहा है। अभी इस पर किस तरह का रिप्लाई आता है सीएम सुक्खू का ये देखना होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि दूसरी ओर एमपीएस संघ की बात करें तो भले ही यहां देखिए ओपीएस बहाली को लेकर ऐलान हो गया हो, नोटिफिकेशन भी जारी हो गई हो, कैबिनेट में भी इसे मंजूरी मिल गई हो, लेकिन ये जानने के लिए तो वो भी काफी ज्यादा उत्सुक है कि आखिरकार क्या स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है, कौन सा मॉडल इसमें अपनाया जाएगा, किस प्रकार से ये कर्मचारियों को लाभ मिलने जा रहा है और हिमाचल सरकार का जो अपना मॉडल है किस तरह से बाकी राज्यों की सरकारों से ये अलग रहने वाला है। तो तमाम चीजें हैं लेकिन आज इसे लेकर भी कोई जिक्र नहीं हुआ, डीए और एरियर का भी कोई जिक्र नहीं हुआ और 1500 की राशि को लेकर बात करें तो यहां पूरी तरह से बात ही बदल दी गई है। बात करना चाहेंगे उन पैरा वर्कर से जुड़ी जिनका मानदेय बढ़ा है और काफी खुश भी इस मौके पर ये नजर आए हैं, सरकार का इन्होंने धन्यवाद करना चाहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, मिनी आशा वर्कर्स की बात करें तो 5,200 रुपए इन्हें मिलेंगे, मिड डे मील वर्कर्स को 4,000 रुपए, वाटर कैरियर्स को शिक्षा विभाग में 4,400 रुपए मिलेंगे, जल शक्ति विभाग मल्टीपर्पज वर्कर को
4,400 रुपए और पैरा फिल्टर पंप ऑपरेटर्स को 6,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 375 रुपए करने की घोषणा भी आज की गई है। सबसे बड़ा दिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है क्योंकि 11,250 रुपए मिनिमम वेतन इन्हें मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इनकी पॉलिसी को लेकर भी बड़ी घोषणा आज सीएम सुक्खू ने की है कि जल्द ही सोच विचार किया जाएगा इनकी पॉलिसी बनाने के लिए भी। लगातार क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से ये डिमांड उठाई जा रही थी कि इनके लिए एक यहां पॉलिसी तैयार की जाए ताकि जॉब को लेकर इन्हें सुरक्षा मिल सके। जगह जगह इनके निष्कासन के मामले सामने आ रहे थे, बेवजह इनकी नौकरियां जा रही थी, तो जॉब गारंटी इन्हें प्रदान की जाए इसी पॉलिसी के माध्यम से, तो ये पॉलिसी बनाई जाएगी। बजट में आज ये भी बड़ा ऐलान हो चुका है। पंचायत चौकीदारों को 7,000 रुपए और एसएमसी शिक्षकों को 500 रुपए और यहां पर बढ़ाए गए हैं उनके वेतन में। साथ ही साथ आईटी टीचर्स को 2,000 रुपए अब यहां मिलेंगे और विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए किया गया है। अगली बात करना चाहेंगे करुणा मुल्को से जुड़ी, तो इन्हें लेकर भी ये बड़ा ऐलान किया गया है कि जल्द ही पॉलिसी बनाई जाएगी। और ये भी क्योंकि काफी समय से यहां ये डिमांड उठा रहे थे कि क्लास 4 के साथ साथ क्लास 3 में भी इन्हें नौकरियां प्रदान की जाए और अलग से भी इनके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए। तो पॉलिसी बनाने की बात हुई है करुणा मुल्कों के लिए, किस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है, किस आधार पर बनाई जाती है, ये आने वाले समय में ही यहां पता चल पाएगा। विधायक विकास निधि को लेकर भी जानकारी दे, तो हाल ही में इसे लेकर काम रोको प्रस्ताव भाजपा विधायक दल की ओर से सदन में लाया गया था, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की थी कि विधायक निधि की चौथी किस्त जारी नहीं हुई है। फिलहाल ये चौथी किस्त जारी करने पर तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये विधायक विकास निधि भी यहां पर बढ़ा दी गई है। पहले जहां 2 करोड़ थी, अब 2,10,00,000 रुपए की गई है, तो विधायकों में भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर भी जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि इनका भी मानदेय बढ़ा है। देखिए, अध्यक्ष जिला परिषद को 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा, उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलने वाला है, अध्यक्ष बीडीसी को 9,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7,000 रुपए मिलेंगे, पंचायत प्रधान को 6,000 रुपए मिलेंगे, उपप्रधान को 4,000 रुपए और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपए प्रति बैठक यहां प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1,916 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर भी यहां ये बड़ा फैसला लिया गया है, इनके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। और फिलहाल मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। अब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया है, जानकारी आपको दे देते हैं। एक तरह से इन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पीठ थपथपाई है। इनका यह मानना था कि चारों दिशाओं में हिमाचल प्रदेश में इस बजट के बाद विकास होने वाला है, इसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों, बागवानों का, सभी का ध्यान रखा गया है और बेरोजगारी भी इससे कम हो पाएगी, महंगाई भी कम हो पाएगी। फिलहाल आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कितने युवाओं को नौकरी मिल पाती है और महंगाई कितनी कम हो पाती है। लेकिन एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से यह पीठ थपथपाई गई है सीएम सुक्खू की, बहुत अच्छा बजट जो है हिमाचल प्रदेश के हित के लिए यहां पेश किया गया है।